हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों यहाँ पे देखो स्नोफॉल कैसे गिर रहा है पेड़ों से। ये देखो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गिर रहा था यहाँ से। तो दोस्तों ये जो ब्लॉग रहने वाला है ये टोटली स्नो का है कि कैसे कैसी सिचुएशन हो जाती है जब स्नोफॉल हो जाता है। चारों तरफ जब स्नो ही स्नो होता है तो कैसी कैसी जो भी कंडीशन होती है वो कैसी होती है, तो दोस्तों देखिएगा ज़रूर और लाइक मेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये देखो दोस्तों, अभी ये वीडियो था पिछले पिछले कल का है सॉरी, क्योंकि पिछले कल थोड़ा कम स्नो था। जो वो अगले दिन का है वो भी मैंने आपको बताया है, मीन्स नौ जनवरी का है वो भी बताया है। ये 8 जनवरी का था जब मैं शॉप के लिए जा रहा था। तो दोस्तों मैं बिलोंग करता हूँ लोअर हिमाचल से, तो लोअर हिमाचल में स्नोफॉल नहीं होता है, वहाँ पे रेनफॉल ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ साथ में। तो यहाँ से दोस्तों बहुत ही टफ था मेरे लिए चलना इस वाले रास्ते में, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था बर्फ़ में ऐसे चलने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा था जो भी बर्फ़ था। अगर थोड़ा सा भी फिसलन हो जाते हैं तो सीधा गिर ही जाते हैं नीचे। तो दोस्तों मैंने ट्राई अपना अच्छे से किया और अच्छे से क्रॉस कर दिया ये वाला रोड। तो ये देखो दोस्तों, ये फर्स्ट डे का है, 8 जनवरी का है वीडियो। तो ये देखो दोस्तों, मैं दुकान से आ गया था, अब जा रहा हूँ मैं अपने रूम की ओर। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि गाड़ियों पर भी बहुत ज़्यादा स्नो हुई है। मैं आपको एक गाड़ी बताता हूँ, यहाँ पे देखो दोस्तों ये जो गाड़ी है इसमें पूरी स्नो हुई है। ये तो फर्स्ट डे का है, सेकंड डे में तो बहुत ज़्यादा हुई है। उस वाले वीडियो को पूरा देखिएगा, नेक्स्ट में है वो आगे पूरे ब्लॉग में। मैंने 2 दिन का ब्लॉग बनाया है आज। तो दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि लाइट जा चुकी है और पानी भी जम चुका है और बहुत ज़्यादा टफ जो भी होता है यहाँ की जो लाइफ टफ होती है। बट 1-2 दिन के लिए तो इन्जॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा है, अगर 1-2 दिन के लिए अगर हम स्टे करते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज वेरी टफ लाइफ है ये, क्योंकि पानी जम चुका है और लाइट जा चुकी है तो टफ ही है। अगर पानी और लाइट ना हो तो टफ ही है। चलो देखते हैं होता है क्या। लाइफ ही ऐसी है कि लाइफ में भी कई प्रकार की हमें सिचुएशन देखने को मिलती है और कई कई ऐसी सिचुएशन है जिससे हम निकल भी जाते हैं बाहर और कई ऐसे होते हैं जिसमें फंस भी जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी मैं आपको पेड़ बता रहा था, तो जो मैंने फर्स्ट में वीडियो लगाई थी वो थी 9 जनवरी की। तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था। तो यहाँ पे मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ कि जैसे ही हम जैसे चलते हैं तो हमें रास्ता देखो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये जो ये देखो दोस्तों, ये आदमी कैसे रास्ता बना रहा है, एक ही उससे चल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक और बात बताता हूँ कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो गया है और जो जैसे कि जेसीबी वगैरह होती है वो इन्होंने
करवा दी है, जिससे रोड रोड साफ करने के लिए, क्योंकि कहीं दिक्कत हो रही है, जैसे अगर किसी ने अगर हॉस्पिटल जाना है तो उनको भी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ से देखो दोस्तों, पैरों से ही रास्ता बनाया गया है। और यहाँ पे बताता हूँ मैं, ये देखो दोस्तों, यहाँ से आ गई है जेसीबी, तो ये ऊपर वाले रोड से पहले साफ कर रही है ऊपर को, फिर नीचे वाले रोड में आएगी, क्योंकि ऊपर वाले रोड में बहुत ज़्यादा सीन था, क्योंकि पेड़ भी थे और पेड़ के नीचे भी बहुत ज़्यादा सीन था, क्योंकि पेड़ों से बहुत ज़्यादा सीन भी बन रही है, साथ में बहुत ज़्यादा सीन भी हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देख सकता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा सीन देखी अपनी लाइफ में, इससे भी ज़्यादा होती है लगेगा पता इतनी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये था नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। जब मैं उठा बाहर तो मैंने देखा इतनी ज़्यादा स्नो चारों तरफ, तो दोस्तों पेड़ भी फुल हो चुके हैं, ये देखो स्नो हो रही थी उस टाइम, ये देखो जब मैं उठा, कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही है स्नो हो रही थी। तो दोस्तों मैंने और भी वीडियो बनाई है बहुत सारी, तो उनको देख लीजिए। देखो दोस्तों बहुत ज़्यादा स्नो हुआ है इधर भी, नेक्स्ट मॉर्निंग का है 9 जनवरी का है। तो यहाँ पे ये वाला मैं बहुत ज़्यादा क्यों बताता हूँ, क्योंकि साइड बहुत अच्छे जो देवदार के पेड़ हैं उनमें बहुत अच्छी स्नो, ये देखो दोस्तों यहाँ पे हो गई है स्नो स्टार्ट। ये देखो मैं आपको स्नोफॉल होते हुए बता रहा हूँ, जिसने अगर देखा नहीं है स्नोफॉल तो वो भी यहाँ से देख लें, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है जब स्नोफॉल होता है। उस टाइम ठंड नहीं होती है जब स्नोफॉल होता है, उस टाइम जब स्नोफॉल हो गया होता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, दिस इज माई एक्सपीरियंस। ये देखो दोस्तों जो बर्ड्स थे वो भी इधर घूम रहे थे, उनको भी बेचारे को, ये देखो दोस्तों यहाँ पे भी बैठने को तक नहीं मिल रहा था, तो ये बेचारे बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड डॉग्स थे, तो इनका तो बेचारों को बहुत बुरा हाल हो रहा है स्नो में, क्योंकि पेड़ों में बैठते हैं बर्ड्स मैक्सिमम, ये देखो तो पेड़ों में ही बर्फ है इतनी ज़्यादा, तो कहाँ बैठे। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ का व्यू, ये देखो दोस्तों कितना फ्रंट में स्नोफॉल हो चुकी है, ये देखो स्नो खुद ही स्नोमैन बन चुके हैं जो चेयर्स थी। तो ये देखो दोस्तों पेड़ तो ऐसे सुंदर लगे थे ना, ऐसे लग रहे थे कि जैसे इनको पेंट किया है वाइट से, वाइट कलर से, लुक लाइक जो होता है रूई कॉटन की तरह लग रहे थे पेड़, बहुत सुंदर। ये देखो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल। तो दोस्तों लाइट जा चुकी है, ये जो हम चार्जिंग वगैरह कर रहे हैं ये हो रही है जैसे पावर बैंक का मार्केट से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं गया था मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, तो मार्केट भी थोड़ी सी नीचे थी, जहाँ मेरे को जाना था वहाँ तो पहुँचा नहीं, बट मैं थोड़ा सा ऊपर ही गया हूँ। तो ये देखो दोस्तों वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्नो था, तो मैं नहीं पहुँचा नीचे, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से पार्क और दिखती है चूड़दार, और वो कुछ टाइम से नहीं दिख रही है जिस दिन से स्नोफॉल हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम फॉग पड़ा है और वो ढक चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बच्चे थे ये खेल रहे थे स्नो से, और यहाँ पे देखो दोस्तों सारी गाड़ियाँ ढक चुकी है स्नो से। और दोस्तों एक बात नोटिस करो कि जो रास्ता बना है इस ही रास्ते से सारे लोग जा रहे हैं, अगर और रास्ता बनाते हैं दिक्कत हो जाती है, अगर और बनाते हैं
जो बना हुआ है, जो पैरों के द्वारा हमारे रास्ता बनता है, उसी के ही साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये देखो दोस्तों, ये मैं बता रहा था आपको, जो मैंने आठ जो मैंने पहले बताई उसमें बहुत कम था, बच चुकी है। अभी मौसम बताया है कि 11 तक तो ऐसा ही रहेगा, तो देखते हैं, एंजॉय करते हैं स्नो में। ये देखो दोस्तों, चारों तरफ स्नो, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों एक बात और, मेरे को कोई कमेंट आया था कि पूछा था कि कौन सा प्लेस है, दिस इज द रुबीना ब्लूप्रिंट चौपाल का है ये प्रॉपर। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो दोस्तों साथ में ऊपर से स्नो भी पड़ रही थी, क्योंकि इन पेड़ों में जो स्नो है ये गिरती है तो बहुत ज़्यादा होती है, कई बार बहुत ज़्यादा होती है और कई बार कम भी होती है। तो दोस्तों मैंने पिछले कल भी आपको ये वाला रास्ता बताया था, तो स्टार्टिंग में, तो आज देखो दोस्तों इस रास्ते को, आज तो बहुत ज़्यादा स्नो थी इसमें। ये देखो दोस्तों कितना सुंदर ये पेड़ लग रहा था स्नो से। ये वाला रास्ता मैंने आपको बताया चल रहा है, तो आज तो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया कि कल कैसे चला था। और इससे इसमें ऐसा होता है कि सीख मिल जाती है हमें जब भी इस रास्ते में चलते हैं, तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिल जाता है कि आज ऐसे चल रहे तो कल चले। यहाँ पे अब जो भी ब्लॉग आएंगे ये आएंगे स्नो वाले ही ब्लॉग। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो चुका है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, और वैसे लाइट वगैरह तो कट हो चुकी है, ऐसे गिर रहे, जब मैं जाऊंगा ना तो मेरे ऊपर भी गिर सकते हैं, बट मुझे देख कर जाना होगा, देख कर। Thank you.